नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी 2021 के, जिसका एग्ज़ाम 2019 में होना था बट ये एग्ज़ाम 2021 में हुआ। तो उसके हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम कट ऑफ जोन वाइज देखेंगे और सभी जोन को देखेंगे, बट यहाँ पे हम कट ऑफ दो ही कैटेगरी के देखेंगे, जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस है। और ये कट ऑफ दोस्तों मैंने बनाया है पिछले साल के जो बाकी सभी एग्ज़ाम है, केवल रेलवे को ध्यान में नहीं रख के बाकी सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के और इस सिचुएशन को ध्यान में रख के इस कट ऑफ को मैंने तैयार किया है। और अभी जो है आप लोग काफ़ी लोग सोचते होंगे कि कट ऑफ जो होगा बहुत ज़्यादा कम जाएगा, बट आपको अगर जॉब पाना है तो आप कट ऑफ का आपको नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे जो भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, मैं अपने तरफ से आपको सही कट ऑफ बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कम कट ऑफ बता दूंगा और अभी के लिए आपको केवल कुछ कर दूंगा, वैसा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी जानकारी दूँ वो सही जानकारी दूँ। और दोस्तों मैंने जितना इस वीडियो में कट ऑफ बताया ना, लगभग उतना ही के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाला है जो फाइनल कट ऑफ आएगा। इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम कट ऑफ जा सकता है, बट ये कट ऑफ है मैंने अपने हिसाब से बहुत सोच समझ कर आपको बताया हुआ है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को ख़राब लगे तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करें अहमदाबाद के बारे में। तो अहमदाबाद में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा 68 के आसपास है और वही ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा 60 के आसपास। उसके बाद अजमेर के बारे में बात करें तो अजमेर में कट ऑफ हाई होने वाला है, 74 तक कट ऑफ जाएगा और ईडब्ल्यूएस का 65 से नीचे जाएगा, 65 से ऊपर नहीं जाएगा। इलाहाबाद का मतलब गुजरात का बात करें तो 78 जनरल और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 65। बैंगलोर का अगर बात करें तो 68 से 70 भी जा सकता है इस बार बैंगलोर, बट 70 से ऊपर नहीं जाएगा और ईडब्ल्यूएस बहुत कम जाएगा, 56 के आसपास जाएगा। उसके बाद यहाँ भोपाल के बारे में बात करें तो 70 के आसपास और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 58 के आसपास है, कट ऑफ देखने को मिल सकता है। उसके बाद भुवनेश्वर का बात करें तो 72 के आसपास और ईडब्ल्यूएस का देखें तो यहाँ 56 के आसपास आपको भुवनेश्वर का देखने को मिल सकता है। बिलासपुर के बारे में बात करें तो 68 के आसपास या इससे भी कम देखने को मिलेगा, बट मान के चलिए कि 68 तक आपको स्कोर करना है बिलासपुर से क्वालिफाई करने के लिए और ईडब्ल्यूएस का 57 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ का बात करें तो चंडीगढ़ का 80 के आसपास भी जा सकता है, ज़्यादा कट ऑफ जाएगा चंडीगढ़ का और ईडब्ल्यूएस का 68 से नीचे रहने वाला है। उसके बाद चेन्नई का कट ऑफ बात करें तो चेन्नई का 66 के आसपास और ईडब्ल्यूएस 55 के आसपास, इस बार चेन्नई का कट ऑफ कम जाएगा लास्ट ईयर की तुलना में। उसके बाद गोरखपुर के बारे में बात करें तो 75 के आसपास और यहाँ पे देखिएगा तो 66 के आसपास। उसके बाद गुवाहाटी के, ये सभी नॉर्मलाइज कट ऑफ है, मतलब ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, जो फाइनल मार्क्स आएगा उसके हिसाब से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। गुवाहाटी का 65 के आसपास देखने को मिलेगा और ईडब्ल्यूएस 56 के आसपास है। जम्मू का आपको 70 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस 62 के आसपास है। कोलकाता का 72 है आपको देखने को मिलेगा और वहीं पे ईडब्ल्यूएस 64 के आसपास। मालदा का 60 के आसपास और 52 के आसपास आपको ईडब्ल्यूएस है। मुंबई का 76 के आसपास और ईडब्ल्यूएस देखेंगे तो 64 के आसपास या इससे कम भी जा सकता है। ईडब्ल्यूएस दोस्तों इस पर बहुत कम जाएगा क्योंकि केवल 3.5 लाख बच्चों ने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है। तो जो मैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बता रहा हूँ ना, वो बहुत कम भी जा सकता है, पहली बार जा रहा है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, इसलिए मैंने अपने अनुमान से आप लोगों को सही बताने का कोशिश किया है, बट जनरल का कट ऑफ लगभग यही जाने वाला है। मुजफ्फरपुर का इस बार अगेन कम जाएगा, 58 के आसपास जाएगा या इससे 56 भी हो सकता है, 56 से 58 के बीच में हो सकता है और 49 के आसपास आपको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखने को मिलेगा। पटना में देखिए 72 के आसपास मिलेगा और वही पटना में ईडब्ल्यूएस 66 के आसपास है। रांची में 74 और ईडब्ल्यूएस 66 के आसपास देखने को मिलेगा। सिकंदराबाद में 70 के आसपास है, वही अगर हम बात करें तो 62 के आसपास आपको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखने को मिलेगा। सिलीगुड़ी में 62 के आसपास आपको जनरल का कट ऑफ देखने को मिलेगा और 50 के आसपास या इससे भी कम आपको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके बाद तिरुवनंतपुरम में आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगा, 75 से 78 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकता है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 70 या इससे भी कम देखने को मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस का दोस्तों जैसा कि मैंने बता दिया कम कट ऑफ होगा। और अगर आप लोगों को सेफ होना है, अगर आप लोगों को क्वालिफाई होना है, तो मैं बता दूं क्वालिफाई होने के लिए कम से कम आपको 62 अगर आपका स्कोर आता होगा, 62 से ज़्यादा स्कोर आएगा नेगेटिव करके, तो आप नॉर्मलाइज होने के बाद बहुत ज़्यादा चांस है, 90% चांस है, 100% नहीं बोलूँगा क्योंकि कभी कभी नॉर्मलाइजेशन में एक भी नंबर नहीं बढ़ता है, बट 62+ स्कोर आता है तो आपका 90% चांस है कि आप स्टेज 2 के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे,
ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। आप अब आगे जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी तैयारी कीजिए, और आगे जो एग्ज़ाम आएंगे उसमें सोचिए कि आपको अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि इस बार कोविड का सिचुएशन है, जॉब सभी को चाहिए। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ आज तक, अभी 2 साल से आप देख रहे होंगे कि बहुत कम आपको एग्ज़ाम देखने को मिला है। तो सब लोग अभी लगने वाले हैं, और एग्ज़ाम देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो जिसके कारण आप लोग को तैयारी भी अब बहुत ज़्यादा अच्छे से करना होगा। काफ़ी बच्चे इस लॉकडाउन का फ़ायदा भी उठा रहे होंगे जिनको जॉब चाहिए होगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने का सोचना चाहिए। आपका जोन कुछ भी हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने का सोचना चाहिए। 80+ आप स्कोर लाने का सोचिए। पेपर हार्ड है तो 62 के आसपास स्कोर भी लाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट आप लोग मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको 90+ अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में, और 75-80 के आसपास आपका स्कोर आ जाना है कट कुट के। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, तो रखिए ठीक है। तो ये हो सकता है काफ़ी लोगों को इस वीडियो से सहमत ना हो, बट ये जो मुझे जो लगा उसके हिसाब से मैंने आप लोग को एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रोवाइड किया, और ध्यान रखिएगा ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे कट ऑफ घट सकता है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, कट ऑफ कम ही जाएगा इसमें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। और भी किसी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा या बाकी कैटेगरी पे भी कट ऑफ चाहिए होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।